लोग ये नहीं देखते कि रिसोर्स कितना था उसके पास, लोग ये देखते हैं जितना था उसके अंदर कितना प्रोड्यूस किया। जो शख्स अपने माँ बाप को ना बख्श सका, माफ ना कर सका, वो अपने बच्चों को क्या माफ करे, वो अपनी बीवी को क्या माफ करे, वो अपने खानदान वालों को क्या माफ करे। सोचें जरा, आपके साथ जिंदगी के अंदर किसी ना किसी ने जुल्म किया हो। मैं बताता हूँ ये शैतान की चाल क्या है, दिलों पर खिलाफ क्या है, ये गफलत का लिबास क्या है। जरा इसको समझें, अपने दिल को समझें कि अल्लाह ताला ने कितना नाजुक दिल दिया था आपको, जो आपने बदलों की आग के अंदर भारी कर लिया है, अपने बदलों की आग के अंदर आपने इसको सख्त कर लिया है। सोचें उस ज्यादती को जो आपके साथ इस दुनिया के अंदर किसी ने की है। किसी ने आपका माल खाया है, कोई आपको पैसा नहीं दे रहा वापस आपका, किसी ने आपकी गीबत की है, किसी ने आपको लोगों के सामने बेइज्जत किया है। जरा सोचें कि जो दिल अल्लाह ताला ने आपको दिया है ये कैसा है, क्या उसको आग में जलता हुआ देख सकते हैं। लाएं उस शख्स को अपने जहन के अंदर कि कयामत के दिन वो आपके इस आपकी इस वजह से कि आपने उसको शायद माफ ना किया हो, आपकी वजह से अल्लाह ताला उसको हुकूक इबाद है, बंदों के हुकूक है। ला युफलिहु ज़ालिमून, अल्लाह जालिम को कामयाब नहीं करता। आपने उसको माफ ना किया और आपकी वजह से वो जहन्नम की आग में जल रहा है। सोचें क्या दिल बर्दाश्त कर सकता है।